जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है साइंस एवं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। आज इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के 6 दशक के प्रमुख उपलब्धियों को। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके SCF के एग्जाम से जो निकल के आ सकता है, उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर कराया गया है। मैं अभी आपको सब्सक्राइब करने को नहीं कहूँगा क्योंकि ये एक प्रकार का डेमो वीडियो है, जो कि हमारी एक पेड टेस्ट सीरीज भी चल रही है और जो हमारी क्लासेस भी चल रही है। तो याद रखिए, इसी प्रकार की PDF हम प्रोवाइड कराते हैं, साथ में वीडियो लेक्चर भी हम आपको देते हैं। तो याद रखिए, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आखिरी में नंबर दिया हुआ है, कॉल करके आप बात कर सकते हैं। आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट के भी क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप एक साथ आप क्लास नहीं ले पा रहे हैं तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष है ना, मेन डेटा दूंगा जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा है ना भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया। 1962 की बात है, इस डेट को याद रखना। इसी वर्ष स्थापित केरल में स्थित थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन में भी काम शुरू हुआ। 1962 का डेट बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ना। अंतरिक्ष कार्यक्रम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अंतरिक्ष कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है। ठीक है, आप सिलेबस वाइज ढूंढिए मत कि सर सिलेबस में क्या दिया है, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन इन्हीं में से निकाल के देगा आपको। टोटल आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये डेट इंपॉर्टेंट है, इस डेट को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, आगे आप देखेंगे। देखिए यहां पर समझिए, 1963 ये आपका सन है, TERLS से 21 नवंबर को पहला साउंडिंग रॉकेट नाइका अपाची छोड़ा गया। याद रखिए, पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक अपाची छोड़ा गया। ये याद रखिए, नाइक अपाची एक साउंडिंग रॉकेट था, 1963 में छोड़ा गया। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जामिनर बना सकता है। आगे आप देखेंगे, तीसरा पॉइंट देखेंगे, 1965 में थुम्बा में अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया गया। 1965 इस डेट को भी आप याद रखिए, अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी केंद्र है ना, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी केंद्र सेंटर स्थापित किया गया है। डेट वाइज इसलिए करा रहा हूं कि सीधे डेट से ही क्वेश्चन यहां से निकाल के देता है एग्जाम में। अगला पॉइंट आप देखेंगे, देखिए मैं मेन पॉइंट को ही बता रहा हूं, इसलिए पॉइंट आपको ऊपर नीचे दिखेंगे। 3 के बाद मैं 5वां पॉइंट समझा रहा हूं, इस सारे PDF में हम कवर करके आपको दे देंगे जो हमारी क्लासेस को ज्वाइन करेंगे। 1969 में परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत 15 अगस्त को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की गठन किया गया। बिल्कुल इस डेट को आप नहीं भूलेंगे, इसरो का गठन देश, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, पूल फॉर्म है ये, इसको आप नहीं भूलेंगे। इस डेट से भी एग्जाम में क्वेश्चन बना के देता है। मैं एकदम पॉइंट वाइज पॉइंट आपको समझा रहा हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको जो लास्ट में मंगलयान चंद्रयान जैसे टॉपिक को हमने लास्ट में कवर किया है, याद रखिए पहली क्लास है, ऐसी और भी क्लासेस डेमो क्लासेस आपको दी जाएगी ताकि आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस चीज को समझ पाओगे। ठीक है, आगे देखेंगे। 1971 में आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SAR में कार्य संचालन प्रारंभ हुआ। ठीक है, किंतु इससे यह नाम 2002 में है ना दिया गया। इससे पहले इसका नाम था श्री हरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज। याद रखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का पहला क्या नाम था, श्री हरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज। याद रखिए, साइंस एवं टेक्नोलॉजी में हम ऐसे टॉपिक कवर कर रहे हैं आपके लिए कि आपके एग्जाम में नंबर यहां से जरूर आएंगे, 20 नंबर आएगा तो यहां से आप इसे निकाल पाएंगे। आगे आप देखेंगे, हमारे पॉइंट्स को समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड डेडिकेटेड पॉइंट है
1975 में अमेरिकी उपग्रह का उपयोग करके है ना SITE परियोजना का शुभारंभ किया और भारत ने 19 अप्रैल को अपना पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट प्रेषित किया, मतलब लॉन्च किया, जो कि पूर्ण स्वदेशी तकनीकी से निर्मित था। याद रखिए इस चीज को, 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट छोड़ा गया था, ठीक है। क्या है जो अमेरिका का सैटेलाइट जो लॉन्चर होता है उसका उपयोग किया गया था, जबकि ये पूर्ण रूप से जो वो था जिसकी टेक्नोलॉजी थी वो इंडियन टेक्नोलॉजी पे डिपेंड थी। इस वीडियो को छोड़ के मत जाना, मंगलयान चंद्रयान जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आखिरी में है तो आखिरी में आपको समझ आएगा, और डायरेक्ट स्किप करके मत चले जाना वरना आपको बीच के पॉइंट भी समझ नहीं आएंगे। याद है कि हमारे जो डिटेल है अकाउंटिंग होते हैं और एग्जाम में जरूर आएंगे। आगे देखेंगे आप, ये पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1980 में SLV-3 की दूसरी प्रायोगिक सफल उड़ान रोहिणी उपग्रह 1 कक्षा में स्थापित किया गया था। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रोहिणी उपग्रह फर्स्ट को SLV-3 की दूसरी प्रायोगिक सफल उड़ान द्वारा स्थापित किया गया था 1980 में। इस बात को आपको दिमाग में रखना है, कॉपी में लिख के रखना है, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे, 1984 में भारत रूसी मानव अंतरिक्ष मिशन का आरंभ हुआ। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने रूसी अंतरिक्ष स्टेशन सल्यूत 7 में एक सप्ताह बिताया। सबको पता है, याद रखिए सारे पॉइंट, मैं एकदम मेन पॉइंटों का इसमें जिक्र कर रहा हूँ ताकि आपको यहाँ से डेटा निकल पाए और आप इसको याद करके अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना सको, ठीक है। आगे आप देखेंगे, एक डेटा ये भी ले लीजिए कि 1999 में भारत ने PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल द्वारा विदेशी उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजना शुरू किया। याद रखिए 1999 में चालू किया, इस डेट को आप नहीं भूलना, ठीक है। चलिए, जिस चीज़ का आप लोगों को इंतजार था, इम्पॉर्टेंट डेट्स, ये क्या है, ये वो डेट है जहाँ पे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन निकलेंगे और इम्पॉर्टेंट है भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम से। 2008 में PSLV-C द्वारा 11 PSLV-C11 द्वारा भारत का चंद्रयान फर्स्ट अभियान सफल रहा। आ सकता है कि भारत का चंद्रयान फर्स्ट PSLV-C11 द्वारा छोड़ा गया था, ठीक है। इस चीज़ को आप नहीं भूलना, ये इम्पॉर्टेंट डेटा है और इस डेटा को हम करेंट अफेयर में भी कवर करके आपको देंगे, ठीक है। आगे 2012 की बात है, इसरो ने 100वें अंतरिक्ष अभियान के तहत, मतलब उनका 100वां अंतरिक्ष अभियान था, PSLV-21 द्वारा फ्रांस जापान के एक अर्थात 2 विदेशी उपग्रह को सफल परीक्षण किया और कक्षा में स्थापित भी किया। 2012 में सौवा पूछेगा तो PSLV-21, इसको आपको याद रखना है, एग्जाम में ऑप्शन में यही दे सकता है। आगे देखेंगे, और 2013 एक ऐतिहासिक समय था, भारत का ऐतिहासिक मंगल अभियान मार्स ऑर्बिटर मिशन सफल रहा। इसे PSLV-C25 द्वारा 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। याद रखिए इस डेटा को, तो गलत नहीं कर सकते आप, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि मंगलयान कौन से है ना, कौन से सफल प्रयोजन के तहत आता है, उसका डेट क्या है, उसको किससे लॉन्च किया गया, इस सारी चीजें आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ये डेमो वीडियो है, इसी प्रकार के क्लास हम ले रहे हैं अपने पेड क्लासेस में, आप उसको ज्वाइन करके अपने SCF की तैयारी को बेहतर कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो, ठीक है। आगे देखते हैं, एक डेटा और ले लीजिए, 2016 में है ना PSLV-C31 द्वारा नेविगेशन सैटेलाइट जो आप नेविक के नाम से जानते हैं, GPS सिस्टम होता है, उसको भी छोड़ा गया था, जो अभी मोबाइल फोन्स में आ रहे हैं, इस्तेमाल किया जा रहा है। देखेंगे 2017 में 15 फरवरी को PSLV-C37 द्वारा 104 उपग्रह कक्षा में छोड़े गए
जो कि टोटल 104 थे, 96 तो यूएसए के थे। ये एक रिकॉर्ड था इंडियन द्वारा, अब इससे पहले रिकॉर्ड था 37 का। ये सारी डेट 2017 15 फरवरी कौन सा लॉन्चिंग व्हीकल, ये सभी इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे आपके पास क्या है, हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि फ्री है, ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर या कॉलिंग नंबर, अगर आपको लगती है कि अगर आपको SCF की पेड क्लास लेनी चाहिए और अपने तैयारी को बेहतर करना चाहिए, इस नंबर पर मुझसे बात कर लीजिए। बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं जिसके तहत आप अपनी तैयारी को अच्छा और बेहतर कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।